Hey everyone, welcome to Shwam's IAS. मैं हूँ शिवांगी शर्मा एंड हियर आई एम विद चैप्टर फोर्थ ऑफ क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स विच इज़ ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी. सो हियर वी आर. तो ना चैप्टर में जाने से पहले ना तो आपको ना थोड़ा सा एक ऐसा केस बता दी ना कि आप समझ जाओगे कि चैप्टर है क्या बेसिकली. जैसे पहले के टाइम पे जब पहले के टाइम पे लोग ना रेड़ियाँ जो रेड़ियाँ होती ना वहाँ पे जाके लोग गोलगप्पे खाया करते थे. ठीक है, पानी गोलगप्पे में पानी पूरी खाया करते थे. फिर लोग गन्ने का जूस पिया करते थे. ठीक है, फिर जलेबियाँ खाया करते थे. आज के टाइम पे देखें तो लोग डोमिनोज जाते हैं ज़्यादा. डोमिनोज का पिज्ज़ा, ठीक, मैकडी, बर्गर, ये सब कुछ है आज के टाइम पे. इस वाली चीज का चेंज इस वाली चीज में भूख तो नहीं लग रही ना आप लोगों को? मतलब कैसे पुराने जो जो पहले लोग ये खाया करते थे ये सारी चीजें अब इधर शिफ्ट हो रहे हैं. ठीक है, इसका एक बहुत ही कॉमन रीजन है कि हमारा मार्केट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मार्केट में चेंजेस आ रही हैं. ठीक, अब ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? मतलब काफ़ी, जैसे आपको पता है कि बहुत टाइम हो गया तो चेंजेस तो आने ही आने हैं, बट इसका एक बहुत ही बेसिक रीज़न है ग्लोबलाइजेशन विच इज़ इंटरकनेक्शन. मतलब कंट्रीज के इंटरकनेक्शन, वो हम बाद में ब्रीफली पढ़ लेंगे, बट अभी हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. ठीक है, किसी भी कंट्री की ना एक बाउंड्री लाइन होती है. ठीक है, उस बाउंड्री लाइन के बाद दूसरी कंट्री स्टार्ट हो जाती है. बट और ना कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, MNCs, सुनी तो आपने होगी, जिसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज भी बोलती हैं. ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका हेड ऑफिस उनकी एक होम कंट्री में होगी. ठीक है, और उनकी बहुत सारी कंट्रीज में ना उन्होंने अपने ब्रांच खोल के रखी होगी जो होस्ट कंट्रीज होती हैं. मतलब देखो, सपोज कोई भी कंपनी है, उसका एक है हेड ऑफिस या ब्रांच, वो है उसकी होम कंट्री जहाँ की वो कंपनी है, और वो प्रोडक्शन करती है मोर देन वन कंट्री में. इस कंट्री के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने अपनी और ब्रांचेस खोल के रखी होती है. ठीक है, तो इस तरह की कंपनीज़ को हम बोलते हैं MNCs. ठीक, अब MNCs ऐसा क्यों करती हैं? MNCs का ना एक बेसिक मोटिव होता है कि प्रॉफिट चाहिए, और जो चीज़ चाहिए उनको प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होना चाहिए. ये होता है उनका बेसिक मोटिव. तो जहाँ भी ये चीज़ें कम है उस कंट्री में जाके भाग के वहाँ पे प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, जैसे मम्मियाँ, जैसे आंटियाँ होती हैं हमारे एरिया की. ठीक है, कि आज इस शॉप में डिस्काउंट है तो उस शॉप में चले गए, दूसरे शॉप में कल दूसरी शॉप में होगा तो दूसरे शॉप में चले जाएंगे. ठीक, ऐसी हैं कुछ MNCs, अपना फ़ायदा देखेंगी सिर्फ, जहाँ पर फ़ायदा हो रहा है उधर जाके प्रोड्यूस करेंगी. अब मैं आपको देती हूँ एक एग्जाम्पल का, जैसे बहुत ही फेमस कंपनी है विच इज़ एप्पल. एप्पल है तो एक US कंपनी है, बट एप्पल के जो मोबाइल्स है वो बनते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं चाइना में. क्यों? क्योंकि चाइना में जो चीज़ें हैं ना वो चीपर हैं, वो सस्ती हैं. ठीक, फिर उसके बाद वो भागते हैं कंट्रीज लाइक इंडिया, मैक्सिको एक्सेट्रा. क्यों? उन सारी चीज़ों को अरेंज करने में. ठीक है, उन चीज़ों की अरेंजमेंट, उसको यू नो वो बनाना, एक फिनिश गुड्स बनाना, उस सारी चीज़ों को चाइना से चीपर सामान खरीद के उसको अरेंज करना, उसको अच्छे से यू नो जॉइंट करना, सारा सब कुछ जोड़ना, असेंबल करना, वो सब कुछ वो इंडिया और मैक्सिको में करते हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज में जाके करते हैं. ठीक है, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. ठीक है, इंटरलिंकिंग क्या है? इंटरलिंकिंग मतलब देखो, हमारी कितनी सारी कंट्रीज है. ठीक है, अब इतनी सारी कंट्रीज जब आपस में लिंक होके प्रोडक्शन करती हैं, आपस में लिंक होके इन द सेंस कि कुछ कंपनीज है जो दूसरी कंट्रीज में जाके भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं. ठीक है, ये MNCs हैं, यही है इंटरलिंकिंग की ट्रेड हो रहा है आगे पीछे, पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है थ्रू ट्रेड. ठीक है,
ये है इंटर, यही है इंटरलिंकिंग अक्रॉस द कंट्रीज। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे एक टर्म है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? देखो, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एमएनसीज है, एमएनसीज दूसरी कंट्रीज में जाके चीज़ें बनाती हैं, तो वो दूसरी कंट्री में जाके भी अपना एसेट तो यूज़ कर रही होगी ना, एसेट खरीद रही होगी, लैंड्स खरीद रही होगी, बिल्डिंग्स खरीद रही होंगी, मशीनरी खरीद रही होगी, और इक्विपमेंट्स भी खरीद रही होगी ना, ताकि वो वहाँ पे और पब्लिश और चीज़ें बनाए। तो ये तो उनका इन्वेस्टमेंट ही है ना, राइट? तो जब कोई इंटरनेशनल कंट्री आकर इन्वेस्टमेंट करती है, कोई भी फॉरेन कंट्री आके इन्वेस्टमेंट करती है आपकी अपनी कंट्री में, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब देखो, इतनी सारी एमएनसीज है हमारी कंट्री, इतनी सारी एमएनसीज है, वो थ्रू आउट डिफरेंट डिफरेंट कंट्री इसमें जाके बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। अब एमएनसीज इतनी सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं, उसका ना एक एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे एमएनसी इतने सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर लेती है। तो एमएनसीज ना कुछ चीज़ें हैं जो करती है। सबसे पहले कि जो भी डोमेस्टिक कंपनीज है किसी भी कंट्री, उसको ना खरीद लेती है। ठीक है, एक तो सिंपल सा है, वो खरीद लेंगी। सेकेंड है कि उन डोमेस्टिक कंट्री के साथ वो पार्टनरशिप कर लेंगी। ठीक, या तो फिर वो क्या करती है, जो छोटे छोटे जो बिल्कुल छोटी छोटी कंपनीज होती है, उनको बोलती है कि तुम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करो। सपोज़ ये जीन्स है, अगर वो ऐसे बोल रहे कि तुम जीन्स प्रोड्यूस करो, वो जीन्स प्रोड्यूस करेंगे, बाद में वो उस पर अपना थप्पा लगा के उसको बेचेंगे। ठीक है, बदले में वो उनको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं ना, मतलब सिर्फ वो अपना ब्रांड नेम उस पर लगा देंगे, ताकि वो छोटी जो छोटी कंपनीज है वो भी अपना पड़ जाती हैं, और इनका एमएनसीज का काम भी हो जाता है और इंटरलिंक भी हो जाते हैं हर चीज़ें। ठीक, तो अब है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड क्या है? ट्रेड क्या है बेसिकली? ट्रेड इज यू नो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, इट दिस इज ट्रेड। जब ये इंटरनेशनल लेवल में होता है ना, तो इसमें कुछ टर्म्स आ जाती है, इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट, एंड रिपोर्ट। आई होप आप इंट्रोड्यूस्ड होंगे इनसे, अगर नहीं तो मैं बता दूँ। इम्पोर्ट, जब हम दूसरी कंट्री से गुड इम्पोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में लाते हैं। एक्सपोर्ट, जब हम अपनी अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में बेचते हैं। और एंट्री पोर्ट, जब हम किसी और कंट्री से लेके किसी और कंट्री को बेच देते हैं अपनी कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर लाए बिना। ठीक है, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन, इतना बड़ा वर्ड सुन के डर मत जाना है। इंटीग्रेशन इज इंटर कनेक्शन, मतलब कनेक्ट ही होना। ठीक, कैसे मार्केट इंटरकनेक्ट होते हैं फॉरेन ट्रेड में? जब एक कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रेड कर रही है, तो ऑफकोर्स उसकी जो डोमेस्टिक मार्केट्स है उनको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा ना, जो प्रोड्यूसर्स है, कि हम उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, वो बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री बेच सकती हैं चीज़ें। ठीक, उसके बाद जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, उनके पास इतने सारे ऑप्शन है अब, है ना। अब जो कंज्यूमर्स है वो भी थ्रो, उनके पास भी पूरी वर्ल्ड की चॉइस है कि वो यहाँ से भी खरीद सकते हैं, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और चीज़ें ना सस्ती हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, एमएनसीज आ रही हैं, तो इतनी सारा गुड प्रोड्यूस होता है कि चीज़ें भी सस्ती हो जाती हैं। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड द रिजल्ट्स इन द कनेक्टिंग कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि कैसे कंट्रीज कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ। ठीक है, अब आता है मेन टॉपिक, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो बना ना, उसका सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट था, जो सबसे पहलू था जिसने सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया, वॉज एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ठीक, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़। जब कंट्रीज़ बहुत ही जल्दी इंटरकनेक्ट हो जाती हैं थ्रू ट्रेड, इज़ ग्लोबलाइजेशन। ठीक, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है,
इन्वेस्टमेंट की जाती है और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाता है, ठीक है, ताकि पूरे कंट्रीज़ के बीच में जल्दी से जल्दी, ताकि हम वो कर सके और ग्लोबलाइजेशन फैल जाए, ठीक है, जितना हो सकता है हमारी कंट्री फॉरेन कंट्री से भी कनेक्ट होगी, ठीक, ऑप्शंस बढ़ेंगे, कंट्री डेवलप भी होगी, ठीक। अब आते हैं फैक्टर्स डैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ऐसे ही तो नहीं बढ़ जाएगा ना, देखो काफ़ी बड़ा टर्म है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ये पूरे पूरे ग्लोबल लेवल तक है, नाम ही है ग्लोबलाइजेशन। तो हम ग्लोबलाइजेशन जब बहुत बढ़ता है ना, रैपिड इम्प्रूवमेंट होती है, उसका एक कुछ उसके कुछ फैक्टर्स है, उसमें से फर्स्ट है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी हर उसमें है, मशीनरी में भी है। ऐसा हो सकता है कि जो MNCs है वो इंडिया में आके इसलिए पब्लिश नहीं बट प्रोड्यूस कर रही चीज़ें, क्योंकि मशीनरी फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, हम चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल में भी। उस ये भी एक मेन फैक्टर हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी के अंदर ही आएगा, ठीक। उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट की, ठीक है, IT सेक्टर में बहुत जल्दी इम्प्रूव हुआ इंडिया, ये तो हम लोगों को पता ही है, ठीक। हाँ, ओके। उसके बाद आता है लिबरलाइजेशन इन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। लिबरलाइजेशन, न्यू वर्ड, क्या है लिबरलाइजेशन? देखो, एक चीज़ होती है विच इज ट्रेड बैरियर। जैसे इसका नाम ही पता चल रहा है, ये कुछ बैरियर्स है ताकि ट्रेड इतने ईजी ना हो, मतलब ट्रेड के लिए कुछ बैरियर्स लगा दिए गए हैं, ताकि कुछ रेस्ट्रिक्शन सेट कर दिए गए हैं, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स इसलिए लगाते हैं, अगर गवर्नमेंट लगाती है, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि अगर हमें इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करना है फॉरेन ट्रेड, और ये डिसाइड करना है कि किस तरह का गुड्स और सर्विसेज हमें इम्पोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है, किस तरह की चीज़ें कंट्री में आनी चाहिए, इसके लिए भी ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद में अराउंड 1950 टू 1960s ट्रेड बैरियर्स लगा दिए गए, ठीक है। इसका मेन रीज़न ये था कि अभी हमारी जो छोटी छोटी कंपनीज थी ना, वो ग्रो कर ही रही थी, क्योंकि अभी हम रिसेंटली कंट्री उस टाइम पे इंडिपेंडेंट हुई थी। तो अगर हम उसी टाइम ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाते और इंटरनेशनल ट्रेड शुरू कर देते, तो जो वो छोटी छोटी ग्रो हो रही है अभी कंपनीज थी, वो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती कंपटीशन की वजह से। काफ़ी कंपटीशन है ना वर्ल्ड ग्लोबल लेवल में, तो काफ़ी कंपटीशन होगा, इसीलिए उस टाइम पे गवर्नमेंट ने लगा दी ट्रेड बैरियर्स। बट 1991 के बाद इंडिया ने ये सारे ट्रेड बैरियर्स को धीरे 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 हटाना शुरू कर दिया और लिबरलाइज कर दिया, ठीक है। बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन को हटाना जो गवर्नमेंट ने सेट किया है, उसी को लिबरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अकेला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल लेवल में ट्रेड को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और हमारी कंट्री को लिबरलाइज करने के लिए WTO का एक बहुत बड़ा हाथ था। WTO ने काफ़ी बार हमारी कंट्री को बोला कि लिबरलाइज कर दो उस, क्योंकि हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, फॉरेन कंपनीज आएंगी तो कंट्री जल्दी डेवलप होगा, राइट। फॉरेन कंपनीज आके हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक। तो WTO ही है जो बेसिक रूल्स सेट करता है रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें अराउंड 160 कंट्रीज है, ठीक। सो हियर, अब यहाँ पे देखो, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया का इम्पैक्ट क्या है, ठीक। हम लिबरलाइजेशन में आगे, लिबरलाइजेशन के अंदर में WTO में चले गए। सो अब आते हैं फिर से ग्लोबलाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक। ग्लोबलाइजेशन के ना पॉजिटिव भी इम्पैक्ट हो सकते हैं बट नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगे नेगेटिव कैसे, है ना, इससे तो कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है ग्लोबलाइजेशन से, कंट्री हमारी इंटरकनेक्ट हो रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हम
मैं बताती हूँ कैसे, बिकॉज अब देखो जब एमएनसीज आएगी कंट्री में, हमारी कंट्री में, तो इन्वेस्टमेंट होगी, वो तो हो रही है अराउंड 50, अराउंड लास्ट 20 ईयर से हो रही है और कंट्री डेवलप हो रही है। बट जब ग्लोबलाइजेशन आ रही है तो इतने सारे कंपनीज इंट्रोड्यूस हो रही है थ्रू आउट द कंट्री कि जो छोटे छोटे अभी भी जो बिजनेसमैन हैं जो ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे ऊंचे उठने के, वो उठ ही नहीं पा रहे, उनकी उनके शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो रहे हैं वो। इसका मेन रीज़न यही है ना कि इतनी सारी कंपनीज हैं ऑलरेडी, इनका फ़ायदा सिर्फ जो टॉप इंडियन कंपनीज है उनको मिलता है, फिर जो आईटी सेक्टर है उसको मिलता है ज़्यादा, जिस जगह में कंपनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा है उस जगह पे ज़्यादा एमएनसीज का फ़ायदा देखने को मिलता है, ठीक है। बट अभी भी कुछ ऐसे छोटे छोटे लोग हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं जो चाहते हैं ऊंचा उठना, जैसे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो सोच रहे हैं कि वो एक मतलब बड़ा वो बनाए, अपना अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करे। बट जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो इतने सारी कंपनीज है जो एक मेजर चैलेंज हो सकता है इनके लिए, कंपटीशन राइज होता ही जा रहा है, ठीक है। कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। अब देखो जब मैंने अभी बताया कि कंपटीशन इतना सारा है तो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनीज बंद हो रही हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज है वो बंद हो रही है, तो जो लोग हैं जो अपने एंटरप्रेन्योर बने हैं जो अभी इतने फेमस नहीं हैं उन वो तो ख़त्म हो रहे हैं, जो लो वर्कर है ठीक है उनकी तो बहुत बुरी हालत हो रही है, समझ रहे हैं आप। इसीलिए इसीलिए ग्लोबलाइजेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों हैं, ठीक। अब बातें हैं हम स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन इसी सेंस में है कि अभी भी हैं कुछ ऐसे कुछ लेबर लॉज हैं जो जो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए ही नहीं जा रहे हैं, उन वर्कर्स को उनके राइट्स मिल ही नहीं रहे, कहीं कहीं मिल रहे तो कहीं कहीं तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि अभी के टाइम पे जितने एमएनसीज आ सकती है वो आए, ठीक, ताकि कंट्री डेवलप हो। तो वो अब गवर्नमेंट उन जो बेसिक लेबर लॉज है ना उसको इग्नोर कर रही है, वो देख नहीं रही कि वर्कर्स को कितनी प्रॉब्लम हो रही है और जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। एक स्ट्रगल है, अभी तक ग्लोबलाइजेशन फेयर नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है जहाँ पे ये पता चल जहाँ जिसकी वजह से एमएनसीज एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी कंट्री को बिल्कुल ही अलग कर दे पूरे वर्ल्ड से, हम इंडिया को अलग कर दे। ग्लोबलाइजेशन एक काफ़ी अच्छा फैक्टर है डेवलपमेंट के लिए, बट कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी है, ठीक है। सो यस, डैट इज़ इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।